बहरहाल आइए अब इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग भी राहत नहीं दे रहा है, राहत नहीं मिली है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने आरोपी विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 21 विधायक संसदीय सचिव हैं जो कि लाभ का पद है, इसीलिए केस रद्द नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आरोपी विधायकों पर केस चलता रहेगा। आपको याद दिला दें कि 8 सितंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। पूरा मामला 13 मार्च 2015 का है जब आम आदमी पार्टी ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद 21 विधायकों की सदस्यता जा सकती है, जिससे दिल्ली की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ सकता है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अमांद्रा का जो इस वक्त न्यूज रूम में है ज्यादा जानकारी के साथ। बताइए अमांद्रा। अभिसार, लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मामले में जो दलीलें दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्हें खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। क्या इसके मायने हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी, उन्हीं से बात करते हैं। संगीता जी, बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से, क्या ये माना जाए कि क्या इन विधायकों की सदस्यता पर अब भी तलवार लटक रही है? बिल्कुल अटक रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि सुनवाई जारी रहेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का की जो शिकायत उनके पास आई है, जिसका कि रेफरेंस के लिए वो सुनवाई कर रहे हैं कि वाकई ये लाभ का पद था कि नहीं, उस पर चुनाव आयोग सुनवाई जारी रखेगा। मामला ये था कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के साथ गए थे चुनाव आयोग के पास, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने जो संसदीय सचिव का पद था उस पर उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया था कि ये मान्य नहीं है। उसके आधार पर वो चुनाव आयोग के पास गए थे कि चूंकि इसको खारिज कर दिया गया इस नियुक्ति को ही, इसलिए अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने उनकी इस बात को नहीं माना है। उनका ये कहना है कि चूंकि उन्होंने उस वक्त संसदीय सचिव का पोस्ट होल्ड किया था, रेफरेंस उनके पास आया है, तो सुनवाई करेंगे और एक नतीजे तक पहुंचेंगे। जी, लेकिन अगर नतीजा आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आता है, सदस्यता जाती है, तो दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, दो स्तर पे होगा, एक तो राजनीतिक है, दूसरा है कि जो एक नैतिक स्तर की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी नैतिकता का बहुत ही ज़्यादा एक कहें तो जनाधार रहा है। नैतिकता के आधार पर ही वो पार्टी बात करती रही है, हर किसी के ऊपर सवाल उठाती रही है। तो ये होगा कि आपने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। राजनीतिक तौर पे देखें तो संख्या कम होगी, निश्चित तौर पे कमज़ोर होंगे, दबाव बढ़ेगा विपक्ष का कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि इस तरह की बात सामने आई है, फिर से चुनाव कराया जाए दिल्ली में, तो इस तरह का माहौल बनेगा। और निश्चित तौर पर दिल्ली की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी अगर इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ला के और उनकी सदस्यता अगर उस पर जाती है तो। जी, तो अभिसार, बड़े मायने दिल्ली की राजनीति के लिए, बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। शुक्रिया आपका। और आम आदमी पार्टी इस पर क्या सोचती है और क्या खबरें आम आदमी पार्टी के खेमे से आ रही हैं, हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रतिमा मिश्रा का। प्रतिमा, क्या इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है इस मुद्दे के बाद, जैसे ही ये खबरें आने लगी कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि अलग से कोई, अभिसार आपको बता दूं कि इसके लिए अलग से कोई दलील नहीं दायर की गई थी कि हमें छूट दी जाए या फिर इस पर सुनवाई न की जाए। जिस तरीके से रोज सुनवाई होती थी इस मामले पर, उसी दौरान ये बात कही गई थी कि चूंकि हाईकोर्ट में इस पद को बोल दिया गया है कि असंवैधानिक है, तो इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उसी को आधार बनाकर अपील की गई थी कि चुनाव आयोग भी इस मामले में सुनवाई न करे। तो ऐसे में जब अब चुनाव आयोग ने से आगे जारी रखने की बात कही है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो हर एक फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आगे इस फैसले को ये चैलेंज करने के लिए ओपन है। तो आगे अगर जरूरी लगा तो इस फैसले को भी आम आदमी पार्टी चैलेंज करेगी। अभी साथ नहीं, मगर किन मोर्चों पर? क्या एक बार फिर अदालत जाएगी? प्रतिमा, चैलेंज किस तरह से करेंगी इस फैसले को? ये साफ नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया है, चूंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट को, तो ऐसे में उसी को आधार बनाकर कि जब हाईकोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया है, तो ऐसे में चुनाव आयोग इसे आगे क्यों बढ़ाना चाह रही है, इसी को आधार बनाकर ये लोग आगे इस मामले को बढ़ाने वाले। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।